बॉलीवुड के मशहूर एक्टर गिरीश कर्नाड का आज 81 साल की उम्र में निधन हो गया। बताया जा रहा है कि गिरीश कर्नाड पिछले कई दिनों से बीमार थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर शोक जताया है। गिरीश कर्नाड ने सलमान की एक फिल्म एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है में भी काम किया था। गिरीश कर्नाड का जन्म 19 मई 1938 को महाराष्ट्र के मैराथन में हुआ था। उन्हें भारत के जाने माने समकालीन लेखक, अभिनेता, फिल्म निर्देशक और नाटककार के तौर पर भी जाना जाता है। आज हम गिरीश कर्नाड को श्रद्धांजलि देते हुए उनके जीवन के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। गिरीश कर्नाड का जन्म 19 मई 1938 मैराथन महाराष्ट्र, भारत के जाने माने समकालीन लेखक, अभिनेता, फिल्म निर्देशक और नाटककार थे। कन्नड़ और अंग्रेजी दोनों भाषा में इनकी लेखनी समानाधिकार से चलती थी। 1998 में ज्ञानपीठ सहित पद्मश्री व पद्म भूषण जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों के विजेता कर्नाड द्वारा रचित तुगलक, हयवदन, तलेदंड, नागमंडन व ययाति जैसे नाटक अत्यंत लोकप्रिय हुए और भारत की अनेकों भाषाओं में इनका अनुवाद व मंचन हुआ। प्रमुख भारतीय निर्देशकों इब्राहिम, अलकाजी, प्रसन्ना, अरविंद गौड़ और बीवी कारंत ने इनका अलग अलग तरीकों से प्रभावी व यादगार निर्देशन किया है। इनके आरंभिक जीवन की बात करें तो ये एक कोंकणी भाषी परिवार में जन्मे थे। 1958 में धारवाड़ स्थित कर्नाटक विश्वविद्यालय में स्नातक उपाधि ली। इसके पश्चात वे एक रॉड्स स्कॉलर के रूप में इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने ऑक्सफोर्ड के लिंकन तथा टेलन महाविद्यालयों में दर्शन शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र तथा अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। वे शिकागो विश्वविद्यालय में फुल ब्राइट महाविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे। साहित्य में आपका अमूल्य योगदान रहा है। कन्नड़ की प्रसिद्धि एक नाटककार के रूप में ज़्यादा है। कन्नड़ भाषा में लिखे उनके नाटकों का अंग्रेजी समेत कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। एक खास बात यह है कि उन्होंने लिखने के लिए ना तो अंग्रेजी को चुना, जिस भाषा में उन्होंने एक समय विश्व प्रसिद्ध होने के अरमान संजोए थे, और ना ही अपनी मातृभाषा कोंकणी को। जिस समय उन्होंने कन्नड़ में लिखना शुरू किया, उस समय कन्नड़ लेखकों का पश्चिमी साहित्यिक पुनर्जागरण का गहरा प्रभाव था। लेखकों के बीच किसी ऐसी चीज़ के बारे में लिखने की होड़ थी जो स्थानीय लोगों के लिए बिल्कुल नई थी। इस समय कर्नाड ने ऐतिहासिक तथा पौराणिक पात्रों से तत्कालीन व्यवस्था को दर्शाने का तरीका अपनाया तथा काफ़ी लोकप्रिय हुए। उनके नाटक ययाति तथा तुगलक ऐसे ही नाटकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तुगलक ने कर्नाड को बहुत प्रसिद्धि मिली और इसका कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ। सिनेमा की बात करें तो वंशवृक्ष नामक कन्नड़ फिल्म से इन्होंने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा। इसके बाद इन्होंने कई कन्नड़ तथा हिंदी फिल्मों का निर्देशन तथा अभिनय भी किया। इनकी प्रमुख फिल्में जीवन मुक्त और इकबाल थी। नाटक ययाति, गिरीश कर्नाड़ का चर्चित नाटक, देश भर में निर्देशकों द्वारा मंचन, तुगलक, अग्निमत्तुमले, औदकलुबिम्ब, अंजू मलिगे, टिप्पुविन, तलेदंग, हितिन हुंज, नागमंडल, हयवदन। साहित्य के लिए इन्हें निम्न पुरस्कार व उपाधियां दी गई। 1972 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1974 में पद्मश्री, 1992 में पद्म भूषण तथा कन्नड़ साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, 1994 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1998 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। सिनेमा के क्षेत्र में 1980 में फिल्म फेयर पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पटकथा गोधूली। इसके अतिरिक्त कई राज्य व राष्ट्रीय पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुए। दोस्तों, आज हमने श्रद्धांजलि के रूप में गिरीश कर्नाड के पूरे जीवन चक्र को देखा। आज हम नमी आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और हमने भारत का एक महान रत्न खो दिया। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।